रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का ये 24वां वीडियो है। एक लंबी सी यात्रा तय करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू सम फंक्शन, एफ का इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, सम फंक्शन g1 प्लस g2 के रेस्पेक्ट में बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू g1 प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू g2। थ्योरम नंबर 15, इफ एफ इज RS इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू g1 एंड आल्सो इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू g2 ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB, देन एफ इज RS इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू g1 प्लस g2 ओवर द सेम क्लोज्ड इंटरवल AB। आल्सो इंटीग्रल a to b एफ डी ऑफ g1 प्लस g2 इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b एफ डी g1 प्लस इंटीग्रल a to b एफ डी g2। प्रूफ भारी है, जैसे पिछले दो तीन वीडियो से बड़े बड़े प्रूफ चल रहे हैं तो इसमें भी बड़ा प्रूफ है। और ये दो रिजल्ट्स प्री रिक्विजिट्स, पूर्व की ज़रूरतें हैं। एक हमने R1 लिख दिया है, एक हमने R2 लिख दिया है। इन्फिमम ऑफ a प्लस b ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्फिमम a प्लस इन्फिमम b, सुप्रीमम ऑफ a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम a प्लस सुप्रीमम b, ये प्रूफ इसका है और ये प्रूफ इसका है। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में पढ़ लीजिएगा, प्रूफ में जान नहीं है, बहुत सरल है। ये वो दो रिजल्ट्स हैं R1 R2 जिनका उपयोग प्रूफ में बीच में किया जाएगा। और ऐसे ही रिजल्ट स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, स्टेप नहीं समझ में आता कैसे हो गया, मैं उन पे थोड़ा जोर देता हूँ। तो आओ थ्योरम नंबर 15 का प्रूफ लिखें, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये हम मिटाएंगे। पहले लिख देने से थोड़ा समय बच जाता है कुछ चीज़ों को, एक बोर्ड भर का मटेरियल पहले लिख दे रहा हूँ जिसके प्रूफ बहुत बड़े बड़े हैं। समझना भी है, लिखना भी है, समझिए भी लो, लिखना भी सीखिए, दोनों बात, किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। आप सब कुछ समझते हैं, लिख नहीं पाते, मार्क्स नहीं उठेंगे। आप लिख अच्छा पाते हैं लेकिन आपके समझ नहीं तो खराब लिखेंगे, तो भी गड़बड़ है, एग्जामिनर इरिटेट होगा। प्रूफ यहीं से शुरू करते हैं। F belongs to RS G1. F belongs to RS G2. For closed interval AB, necessary and sufficient condition की चर्चा कर ले। Implies that for every epsilon greater than 0, there exists एक partition इसके लिए, एक इसके लिए। P1, P2 belonging to PAB. Such that U P1 F G1 minus L P1 F G1 is less than epsilon by 2 and U P2 F G2 minus L P2 F, जरा 1 और कामा में सावधान रहिएगा, ये एफ है और यहाँ g2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 नंबर कर ले एक। फिर एक रिजल्ट हम लिखेंगे रिफाइनमेंट से संबंधित, जिसका इस्तेमाल हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। वी नो दैट इफ पी डैश इज एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी, देन यू पी डैश एफ जी माइनस एल पी डैस एफ जी लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी।
सिंस पी इक्वल्स टू पी वन यूनियन पी टू, पी वन यूनियन पी टू को हमने पी से डिनोट कर दिया, इज कॉमन रिफाइनमेंट, इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ पी वन एंड पी टू, देयरफॉर यही रिजल्ट लिखिए, पी डैश की जगह पर हो गया पी, तो एक बार आप जो है P1 का रिफाइनमेंट मान के लिखिए, एक बार P2 का, तो पहले लिखिए आप U P F G1 माइनस L P F G1 लेस देन और इक्वल टू U P1 का है, तो P1 F G1 माइनस L P1 F G1 एंड U P F G2 माइनस L P F G2 इज लेस देन और इक्वल टू U P2 F G2 माइनस L P2 F G2, ये रहा। नंबर टू, ये दोनों इकट्ठा नंबरिंग कर दिया हमने टू, अब वन और टू को कनेक्ट करें, जैसे देखिए ये इससे छोटा है और ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, देखो ये लिखा फ्रॉम वन इन टू, वीडियो जाड़े के महीने में ठीक बनता है, आवाज कम रहता है, अब गर्मी में मैंने कमरे में एसी लगा रखा है फिर भी एसी का शोर होता है, स्प्लिट ऐसी है फिर भी आप देखो बैकग्राउंड में आवाज़ रहता है, अभी बिजली चली गई है बिल्कुल, इस समय सन्नाटा कितना अच्छा लग रहा है। फ्रॉम वन इन टू यू पी एफ जी वन माइनस एल पी एफ जी वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड यू पी एफ जी टू माइनस एल पी एफ जी टू, अभी बिजली भी थोड़ी देर में शोर पर शोर होगा, यू पी एफ जी वन माइनस एल पी एफ जी वन और यू पी एफ जी टू माइनस एल पी एफ जी टू, शोर शुरू। क्या किया जाए। नंबर तीन, इन दोनों का सम्मिलित रूप से नंबरिंग हो गया थ्री। लेट द पार्टीशन पी, लेट द पार्टीशन पी बी करली ब्रैकेट ए इक्वल टू एक्स वन कामा एक्स, ए इक्वल टू एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा सो वन कामा एक्स एन इक्वल्स टू बी एन बिलोंगिंग टू एन फुल स्टॉप। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, देन यू पी एफ जी वन प्लस जी टू, यू पी एफ जी वन प्लस जी टू ये बराबर होगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी वन प्लस जी टू आर, डेल्टा जी आर लिखते थे ना, और डेल्टा जी आर का मतलब होता था जी एट एक्स आर माइनस जी एट एक्स आर माइनस वन, तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू जी वन प्लस जी टू एट एक्स आर माइनस जी वन प्लस जी टू एट एक्स आर माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट जी वन एट एक्स आर माइनस जी वन एट एक्स आर माइनस वन करली ब्रैकेट क्लोज्ड
माइनस अगेन कर्ली ब्रैकेट जी टू एट एक्स आर माइनस जी टू एट एक्स आर माइनस वन, ये रहा। सोच रहा था कि ये रिजल्ट सारे लिख लूँ क्या किनारे, फिर मैं सोच रहा था छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत महसूस होगी तो फिर लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट यू पी एफ जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इन टू डेल्टा जी वन आर माइनस, माइनस की प्लस भैया प्लस होगा, प्लस डेल्टा जी टू आर, जैसे डेल्टा जी आर लिखते थे ना जी वन आर जी टू आर, इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इन टू डेल्टा जी वन आर प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इन टू डेल्टा जी टू आर, दिस इज इक्वल टू अपर सम यू पी पी सॉरी यू पी, फंक्शन वही है एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी वन प्लस यू पी एफ जी टू। तो देखो ये कैसे निकला, यू पी एफ जी वन प्लस जी टू बराबर यू पी एफ जी वन प्लस यू पी एफ जी टू, इसे नंबरिंग कर दे रहे हैं फोर। सिमिलरली क्या जरूरत है पूरा इतना स्टेपिंग करें, हाँ जब सिमेट्री दिख रही तो ऐसे ही लिख दिया जाता है। सिमिलरली एल पी एफ जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू एल पी एफ जी वन प्लस एल पी एफ जी टू। नंबर फाइव, यहाँ तक आपके बेहतर समझ में आया होगा, आगे की यात्रा आइए तय करें। देयरफॉर U P F G1 plus G2 minus L P F G1 plus G2, इसमें से इसको घटाना है तो दिस माइनस दिस कर दीजिए प्लस दिस माइनस दिस कर दीजिए तो हो जाएगा इक्वल्स टू ब्रैकेट U P F G1 माइनस एल पी एफ जी वन प्लस यू पी एफ जी टू माइनस एल पी एफ जी टू। और वो एप्सिलॉन बाई टू वाला रिजल्ट देखो ये लिखा है, मिलाओ जरा यू मिलाते चलिए पी एफ जी वन माइनस एल पी एफ जी वन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू बाई थ्री, ओके इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब समराइज करिए कंक्लूड करिए, ये फोर और फाइव रिजल्ट हमें जरूरत पड़ेगा आगे चल के। तो फोर और फाइव दो रिजल्ट्स को हम इधर किनारे कहीं रिजर्व कर ले रहे हैं, प्रिजर्व कर ले रहे हैं। एक तो ये यू
पी एफ जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू यू पी एफ जी वन प्लस यू पी एफ जी टू, ये रिजल्ट नंबर फोर। और दूसरा है एल पी एफ जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू एल पी एफ जी वन प्लस एल पी एफ जी टू, ये है नंबर फाइव। इन्हें दोबारा मत उतारिएगा, इसलिए हम कट लगा दे रहा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। दस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स पी बिलोंगिंग टू पी ए बी सच दैट यू पी एफ जी वन प्लस जी टू माइनस एल पी एफ जी वन प्लस जी टू इज लेस देन एप्सिलॉन एंड हेंस बाई नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन एफ बिलोंग्स टू आर एस जी वन प्लस जी टू ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक पार्ट का प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट फ्रॉम फोर दोनों पक्ष का हमने इन्फिमम ले लिया। इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी वन प्लस जी टू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी इक्वल्स टू इन्फिमम, थोड़ा सा भारी एक्सप्रेशन है ना तो नीचे लिख देना, इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ जी वन प्लस यू पी एफ जी टू। और जो प्री रिक्विजिट्स बताया था हमने, अब उसी की जरूरत पड़ गई। इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए प्लस इन्फिमम ऑफ बी इन्फिमम ऑफ यू पी एफ जी वन पी बिलोंग्स टू पी ए बी प्लस इन्फिमम ऑफ यू पी एफ जी टू पी बिलोंग्स टू पी ए बी। लॉजिक यहाँ जरूर लिखना, सिंस इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए प्लस इन्फिमम ऑफ बी। इम्प्लाइज दैट अपर सम्स का इन्फिमम अपर इंटीग्रल होता है। तो ये हो गया अपर इंटीग्रल ए टू बी। फंक्शन कौन है? एफ टी जी वन प्लस जी टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू। एफ आर एस इंटीग्रेबल है विथ रेस्पेक्ट टू जी वन, एफ आर एस इंटीग्रेबल है विथ रेस्पेक्ट टू जी टू, ये दिया हुआ है। और हमने सिद्ध कर दिया फर्स्ट पार्ट में कि एफ
आर एस इंटीग्रेबल है विथ रेस्पेक्ट टू जी वन प्लस जी टू, इसलिए अपर इंटीग्रल सब करिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल के बराबर होंगे. इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस जी टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू. नंबर पाँच तक हम लोग डाले थे, इसको सिक्स डालिए. ऐसे ही रिजल्ट फाइव उठाइए और ऐसे ही करिए, कुछ आपको मिल जाएगा. फ्रॉम फाइव, अब ये सब लोअर सम है ना, तो इनके सुप्रीमम निकाल लो दोनों पक्षों के. सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी वन प्लस जी टू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी वन प्लस एल पी एफ जी टू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी. सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ जी वन सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी प्लस सुप्रीमम एल पी एफ जी टू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी. लॉजिक जरूर लिखे, सिंस सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी. लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम लोअर इंटीग्रल होता है. तो नंबर सिक्स इधर है, ये इधर मिटा दे रहे हैं सर. इंप्लाइज दैट लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस जी टू लेस देन आर इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू. इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस जी टू लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू. नंबर सेवन, यहाँ पे लॉजिक नहीं दिए थे, यहाँ पे लॉजिक चलो लिख दें. सिंस एफ बिलोंग्स टू आर एस जी वन एफ बिलोंग्स टू आर एस जी टू ये तो दिया ही हुआ था, और एफ बिलोंग्स टू आर एस जी वन प्लस जी टू हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसलिए लोअर इंटीग्रल करिस्पॉन्डिंग और अपर इंटीग्रल दोनों करिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल के बराबर होंगे. सिक्स और सेवन से सैंडविच सिचुएशन है. फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, फ्रॉम सिक्स एंड सेवन इसे उलट के लिख दो, इसको इधर उसको उधर कर दो, तो हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस जी टू. और अब इसको लिखिए, लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू. और इसके इसके बीच में सैंडविच हो रहा है, इसका मतलब हो गया इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस जी टू इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी वन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी टू. इट कम्प्लीट्स द प्रूफ. पूरा विश्वास है हमको कि आपको ये प्रूफ बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, और यही नहीं इसके पहले भी जो दो तीन वीडियोज़ थे बड़े बड़े प्रूफ के, वो सब आपके समझ में आया होगा. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बहुत ठीक से करीने से
लिख लिख के समझाया जाए, इस तरह से लिख लिख के समझाया जाए कि ये लिखा हुआ नोट्स यदि आप कभी भी पढ़ें तो आपके समझ में खुद ब खुद आता जाए, फिर किसी टीचर किसी ट्रेनर की ज़रूरत किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश हमारी यही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं कि हमारी कोशिश कितनी कामयाब हुई। थैंक यू वेरी मच। अभी ये प्लेलिस्ट जारी रहेगा।